नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का शिक्षा प्रभा में। दोस्तों, मैं करुणा आज ये वीडियो लेकर आई हूँ क्लास 11th के इंग्लिश के स्टूडेंट्स के लिए। और बेटा, इस वीडियो में आप लोग देखेंगे अपना एनुअल एग्ज़ाम का प्रैक्टिस पेपर, किस तरह से आपका फाइनल टर्म सेकेंड एनुअल एग्ज़ाम होने वाला है उसको आप इस वीडियो में देख सकते हैं। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि आपका जो एनुअल एग्ज़ाम है वो 40 मार्क्स का होगा, क्योंकि 40 मार्क्स आप इससे पहले मिड टर्म कह लीजिए या टर्म फर्स्ट कह लीजिए दे चुके हैं। और 2 घंटे का ये पेपर आपके लिए होने वाला है। तो सबसे पहले है आपका सेक्शन ए, जो कि रीडिंग है, और 13 मार्क्स का क्वेश्चंस या 13 नंबर का पेपर आपका इस सेक्शन से लिया गया है। तो बेटा, अगर आप शिक्षा प्रवाह पर नए हैं, अब तक आपने शिक्षा प्रवाह को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि अपने रिजल्ट, अपना एग्ज़ाम पैटर्न, अपने क्वेश्चन पेपर मार्किंग स्कीम से आप अवेयर रह सकें। तो सबसे पहले है रीड द फॉलोइंग गिवन फॉलोज। पैसेस बेटा यहाँ पर आपको दिया गया है, तो पैसेस आपकी स्क्रीन पर है, आप खुद इसको एक बार देख लीजिए, या तो आप इस पैसेस का यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज़ आप वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो आप कर लीजिए। पैसेस बहुत जल्दी से बहुत बड़ा है, टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इस कारण से मैं इस पैसेस को रीड नहीं कर रही हूँ। ओके बेटा, तो ये था आपका पैसेस। अब इस पैसेस पे बेटा आपको 9 क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं, 9 में से 8 क्वेश्चंस के आंसर आपको देने हैं। पहले क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं, फिर उनका आंसर आपको शो करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ द वर्चुअल ग्रीन लिटरेचर फेस्टिवल, एंड सेकेंड, वाई डू यू थिंक पहाड़ सेज एवरी सेकेंड पर्सन ऑन सोशल मीडिया इज राइटिंग ऑन नेचर, एनवायरमेंट, इकोलॉजी एंड द इकोनॉमी। थर्ड, हाउ डज बेनेडिक्ट प्लान टू मेनस्ट्रीम कन्वर्सेशंस ऑन एनवायरमेंट। फोर्थ, व्हाट काइंड ऑफ पीपल विल हैंग आउट इन GLF। फिफ्थ, व्हाट इज द विजन ऑफ मेघा गुप्ता। सिक्स्थ, इज GLF गोइंग टू बी अ सिंगल इवेंट, हाउ। सेवन क्वेश्चन, व्हाट टेक्स एन एज इन द डिक्टोमी ऑफ इकोनॉमी एंड एनवायरमेंट। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ हैज़ द COVID-19 पैनेडेमिक ब्रॉट टुगेदर डॉक्टर्स, एनवायरमेंटलिस्ट एंड जर्नलिस्ट। और 9 है, व्हाट इज़ द पावर ऑफ विजुअल्स। तो इन 9 क्वेश्चन है, 9 क्वेश्चन के आंसर देख लेते हैं, आपको सिर्फ 8 ही अटैम्प्ट करने हैं। तो यहाँ पर है बेटा आपके क्वेश्चंस के आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, जिसका आंसर आप लिखेंगे, आइडेंटिफाइज, प्रोमोट्स एंड सेलिब्रेट्स बुक्स, ऑथर, कन्वर्सेशन एंड वेरियस कल्चरल एक्सप्रेशंस ऑन द एनवायरनमेंट। सेकंड में आप लिख सकते हैं, राइजिंग अवेयरनेस। थर्ड, थ्रो GLF। एंड 4, पीपल हु केयर फॉर द प्लानेट। फिफ्थ, ग्रीन लिटरेचर इन अ वाइडर सेंस, नॉट जस्ट फिक्शन, नॉन फिक्शन एंड बुक, बट ऑल्सो चिल्ड्रन लिटरेचर, पोएट्री, ड्रामा एंड कॉमिक्स। 6, नो, अ ईयर लॉन्ग सीरीज ऑफ इवेंट। 7, इकोनॉमी। 8, टाइम फॉर इंट्रोस्पेक्शन इन क्राइसिस। 9, विजुअल कंटेक्ट, इंफॉर्मेशन इज एब्जॉर्ब फास्टर बाय ब्रेन एज कंपेयर टू आउटर स्टिमुली। तो ये 9 क्वेश्चन के आंसर थे, इनमें से कोई से भी 8 आप कर सकते हैं, और 1 नंबर का 1 प्रश्न है। देखते हैं आपका सेकंड क्वेश्चन। तो बेटा, आपका जो सेकंड क्वेश्चन है उसके अंदर भी आपको पढ़ना है पैसेस और आंसर देने हैं जो उस पैसेस पे आपसे पूछे गए हैं। तो आपके स्क्रीन पर बेटा पैसेस है, आप इसको वापस से स्क्रीनशॉट ले लें और अच्छे से रीड कर लें। पैसे से आंसर निकालना आपको आता ही होगा बेटा, और
इंग्लिश में मार्क्स लाने के लिए पैसेज एक ऐसा विकल्प है जिससे लगभग जिसे सभी बच्चे सॉल्व कर देते हैं। ठीक है बेटा, तो ये था आपका पैसेज जिसको आपको अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ लेना है। अब इस पर आपको कुछ क्वेश्चन के आंसर देने हैं। ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ द अबव पैसेज मेक नोट ऑन इट्स यूजिंग हैडिंग एंड सब हैडिंग्स, यूज रिकॉग्नाइजेबल एब्रीविएशंस वेवर नेसेसरी, ऑल्सो सजेस्ट आ सुटेबल टाइटल। तो बेटा नोट मेकिंग आपको तैयार करनी है, तीन नंबर में आपको दी गई है नोट मेकिंग, और सेकंड राइट अ समरी ऑफ द पैसेज आपको फिर दो नंबर में समरी लिखनी है, और समरी जो है आपकी 50 वर्ड से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो देख लेते हैं पहले नोट मेकिंग और फिर समरी। तो नोट मेकिंग आप कैसे लिखेंगे DOE ने आपको बताया हुआ है। ठीक है, पूरा जो आपका पैसेज है उसको समराइज कर लेना है आपको। ठीक है, नोट्स जो आप बनाएंगे वो दो नंबर के होंगे, जो टाइटल एंड एब्रीविएशंस आप यूज़ करेंगे वो एक नंबर का होगा। तो इस तरह से तीन नंबर की नोट मेकिंग बेटा आपको तैयार करनी है। सेकंड जो समरी है दो नंबर की है, उसके अंदर सबसे पहले जो कंटेंट आप डालेंगे वो कंटेंट एक नंबर का होगा, और जो एक्सप्रेशन होंगे वो एक नंबर के होंगे। तो इस तरह से आपको ये पाँच नंबर तैयार करने हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्या पूछा गया है। तो बेटा अब स्टार्ट हो रहा है आप लोगों का सेक्शन बी जो है राइटिंग एंड ग्रामर से, और ये आपका 12 नंबर का पोर्शन है, 13 का पहले आपसे पूछा जा चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, ड्राफ्ट अ सुटेबल पोस्टर फॉर कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, ठीक है, ऑन बिहाफ ऑफ हेल्थ डिपार्टमेंट, डू नॉट एक्सीड द वर्ड लिमिट ऑफ 50 वर्ड्स। तो ये तीन नंबर में बेटा आपको करना है, और जो आपको फोर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, अटैम्प्ट एनी वन फ्रॉम ए और बी गिवन बिलो, यानी कि ए और बी आपको कुछ दो ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से कोई एक ही आपको अटैम्प्ट करना है। सबसे पहले ए विकल्प है यहाँ पे, यू आर राजन, या फिर अगर आप गर्ल हैं तो रजनी, लड़का है तो हेड बॉय, और लड़की है तो गर्ल ऑफ योर स्कूल, रिक्वेस्ट योर प्रिंसिपल इन राइटिंग टू अरेंज एक्स्ट्रा क्लासेस इन इंग्लिश फॉर द स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th एंड 12th, गिव डिटेल रीजन टू सपोर्ट योर डिमांड, डू नॉट एक्सीड द वर्ड लिमिट ऑफ द लेटर विच इज 120 to 150 वर्ड्स। तो लेटर टू डिमांड आपको यहाँ पर तैयार करना है, और विकल्प में जो आपको पाँच नंबर में दूसरा लेटर दिया है, हाँ यहाँ पर है, यू आर सबा परवीन और प्रवीण कुमार, अ स्टूडेंट ऑफ KBC पब्लिक स्कूल योर स्कूल, और ऑर्गेनाइज अ डिबेट कॉम्पिटिशन ऑन द टॉपिक ऑनलाइन एजुकेशन डज मोर गुड देन हार्म। तो ड्राफ्ट अ डिबेट आइदर इन फेवर और अगेंस्ट इन द टॉपिक 120 to 150। तो पहले देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 and 4 का सॉल्यूशन। तो बेटा CBSE ने सेक्शन बी को सॉल्व करने से पहले आप लोगों को कुछ गाइडलाइंस दी हुई हैं, और वो ये हैं कि कन्वे आइडियाज़ कन्विंसली यूजिंग एप्रोप्रिएट लेआउट एज रेलिवेंट। ठीक है बेटा, सेकंड ऑर्गेनाइज द कंटेंट एंड स्ट्रक्चर द आइडियाज़ लॉजिकली होना चाहिए, सिक्वेंटली होना चाहिए और कोहेसिवली होना चाहिए, एंड थर्ड यूज़ अ रेंज ऑफ वोकैबुलरी एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर अप्रोप्रिएट टू द कंटेंट एंड द कंटेक्स्ट। ठीक है बेटा, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। चौथा मेक एक्यूरेट यूज़ ऑफ स्पेलिंग, बेटा आपको स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं करनी, पंक्चुएशंस आपके सही होने चाहिए एंड ग्रामर आपकी सही होनी चाहिए, इसके बिहाफ पे आपको सेक्शन बी में मार्क्स दिए जाएंगे। तो थर्ड था जो आपको सुटेबल पोस्टर ड्राफ्ट करना था कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर पर। ठीक है, तो इसके अंदर बेटा आप जो कंटेंट देंगे तो वो कंटेंट दो नंबर का होगा, और जो आपका एक्सप्रेशन होगा वो एक नंबर का होगा। इसके साथ ही साथ एक्यूरेसी पर भी आपको ध्यान रखना है, और आप कौन कौन से पॉइंट्स इसके अंदर आप डाल सकते हैं कंटेंट में। तो सबसे पहले आप डाल सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग, जैसा आपको पता है, वियरिंग मास्क, वॉशिंग हैंड्स, मोटिवेटिंग पीपल्स टू फॉलो नॉर्म्स, कोविड नॉर्म्स, ठीक है, कैची कैप्शंस, इशूइंग अथॉरिटी। ठीक है बेटा, तो ये वाले पॉइंट्स आप इसके अंदर डाल सकते हैं। तो कंटेंट अगर आप इन पॉइंट्स में से कुछ चार पॉइंट्स देते हैं, मतलब चार अगर आप मिनिमम देते हैं तो आपको मैक्सिमम देते हैं तो आपको दो नंबर यहाँ पर मिल जाएंगे, और जो एक्सप्रेशन आपको देने हैं तो फुल क्रेडिट ऑफ 1 मार्क्स टू बी अलॉटेड इफ़ द फंक्शनल लैंग्वेज या फिर एक्सप्रेशन
बीन यूज्ड कंस्टेंटली थ्रू आउट, ठीक है। इसके अलावा पार्टियल क्रेडिट ऑफ हाफ मार्क्स आपको मिल जाएगा टू बी अलॉटेड इन द फंक्शनल लैंग्वेज एक्सप्रेशन या यूज्ड जनरली इन द मोस्ट प्लेसेस पर। इसके अलावा है बेटा नो क्रेडिट ऑफ मार्क्स इफ़ द फंक्शनल लैंग्वेज एक्सप्रेशन हैव बीन यूज स्पोरैडिकली नॉट एट ऑल, इसके लिए आपको कोई भी मार्क्स नहीं दिया जाएगा। एक्यूरेसी पर बेटा आपको एक नंबर मिलेगा और काट लिया जाएगा आपका यानी डिडक्ट कर दिया जाएगा आधा नंबर टोटल मार्क्स इफ़ ऑल और आइदर वन ऑफ द फॉलोइंग अप्लाई। और क्या आपको अप्लाई नहीं करना है तो हैज़ अ फ्यू फॉर्मेट इनएक्यूरेसीज, तो मतलब इनएक्यूरेसीज आपकी नहीं चलेगी। हैज़ अ फ्यू इनएक्यूरेट स्पेलिंग्स, आपका स्पेलिंग गलत नहीं होना चाहिए, ग्रामर आपकी सही होनी चाहिए, आपका डिडक्ट एक नंबर काट लिया जाएगा अगर आपने इनको अप्लाई नहीं किया। और किस चीज़ को अप्लाई नहीं किया, इनकरेक्ट फॉर्मेट, अगर आपका फॉर्मेट गलत है और आपका जो फॉर्मेट की एक्यूरेसी है वो गलत है तो आपका एक नंबर काट लिया जाएगा। इसके बाद हैज़ अ टोटल ऑफ थ्री और मोर स्पेलिंग ग्रामेटिकल एरर्स, मतलब अगर तीन से ज़्यादा ग्रामेटिकल एरर्स आपके हुए या स्पेलिंग गलत हुई तो एक नंबर आपका कट हो जाएगा ओवरऑल तीन मार्क्स में से। तो इन चीज़ों को बेटा आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। बहुत अच्छे से DOE ने यहाँ पर आपको जो मार्क्स को देने वाले हैं, किस तरह से आपकी कॉपी चेक होने वाली है, एक्सप्लेन किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर फोर है अटेम्प्ट एनी वन फ्रॉम ए एंड बी, जैसा कि आपने पढ़ा था ऊपर ए के अंदर क्या लिखना था आपको, लेटर टू डिमांड, डिमांड लेटर आपको यहाँ पर लिखना था। तो डिमांड लेटर बेटा अगर आप लिखते हैं तो उसके अंदर कंटेंट आपका दो नंबर का होगा, एक्सप्रेशन दो नंबर का होगा और एक्यूरेसी आपकी एक नंबर की होगी। और जो आप कंटेंट में यहाँ पर पॉइंट्स डाल सकते हैं तो वो आप डाल सकते हैं कि जेन्युइन रीज़न है आपको जो भी मटेरियल आपको चाहिए या उसकी नीड है, सेकंड लो परफॉर्मेंस, थर्ड ड्रिल एंड रिविज़न रिक्वायर्ड, एग्ज़ाम स्ट्रेस, रिक्वेस्ट ऑन स्टूडेंट्स बिहाफ एंड एक्स्ट्रा क्लासेस। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर इन पॉइंट्स को अपने कंटेंट में आप लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, डेलीकेटेड मार्क्स एट ए लेवल आर टू बी अवेयर्ड ओनली इफ़ ऑल डिस्क्रिप्शंस मैच, इफ़ वन और मोर डिस्क्रिप्शन डू नॉट मैच द मार्क्स आर अवॉर्डेड एट अ लेवल लोअर। मतलब इसमें से आपको कुछ चीज़ें ज़रूर मेंशन करनी है, ज़रूरी नहीं है आप सारी मेंशन करें। एंड सेकंड दो नंबर बेटा आपको मिलेंगे अगर आपने सभी पॉइंट्स को इंक्लूड किया होगा जो आपको ऊपर दिए हुए हैं, एक दो अगर छोड़ देते हैं तो उसकी बात यहाँ पर नहीं की जा रही है, ठीक है। आपने अपने सस्टेंट को क्लियरली अगर डेवलप किया है तो आपको पूरा दो नंबर मिलेंगे। उसके बाद आपको आधा नंबर मिलेगा अगर आधा नंबर ऑलमोस्ट ऑल पॉइंट इनकॉर्पोरेट होंगे, रीजनेबली वेल डेवलप्ड होंगे। एक नंबर आपको मिल जाएगा जब आपने सम पॉइंट्स इनकॉर्पोरेटिव यूज़ किए होंगे, फेयर अटेम्प्ट आपने किया होगा, एंड आधा नंबर आपको मिलेगा मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ गिवन टास्क आर इनकॉर्पोरेट एंड लिमिटेड अवेयरनेस टू टास्क डेवलपमेंट, ठीक है बेटा। सेकंड था हाँ बेटा यहाँ पर है एक्सप्रेशन के जो दो नंबर हैं वो आपको किस तरह से दिए जाएंगे, ऊपर वाला उन्होंने समझा रखा है कंटेंट के तीन नंबर आपको कैसे ही मिलेंगे। तो डेलीकेटेड मार्क्स एट द लेवल आर टू बी अवॉर्डेड ओनली इफ़ ऑल डिस्क्रिप्शंस मैच, इफ़ वन और मोर डिस्क्रिप्शन डू नॉट मैच द मार्क्स आर अवेयर्ड एट अ लेवल लोअर। तो मतलब आपको सारे डिस्क्रिप्शंस को मैच करना है, अगर आपके एक आध अगर छूट जाता है तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपने ज़्यादा पॉइंट्स उसमें से छोड़ दिए हैं तो आपके मार्क्स कम हो सकते हैं। सेकेंड है हाईली इफेक्टिव स्टाइल कैपेबल ऑफ कन्वे द आइडिया कन्विंसिंगली एंड अप्रोप्रिएट लेआउट ऑफ अ फॉर्मेट लेटर, जिसके अंदर आपको एड्रेस सॉल्यूशन सब्सक्रिप्शनल एंडिंग बहुत अच्छे से दिखानी है। केयरफुली स्ट्रक्चर्ड कंटेंट विद ऑर्गेनाइज्ड पैराग्राफिंग प्रेजेंटेड कोहेसिवली, इस चीज़ का भी आप ध्यान रखेंगे। थर्ड हाईली इफेक्टिव रजिस्टर्ड फॉर्मल टोन एंड वोकैबुलरी, relevant and appropriate sentences for conveying the idea precisely and effectively। तो बेटा इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आगे नंबर के लिए frequent clearly clarity
ऑफ एक्सप्रेशन मोस्ट ऑफ आइटम्स लेआउट ऑफ अ फॉर्मल लेटर लार्जली एक्यूरेट आपका रहना चाहिए. आइडियाज जनरली वेल सिक्वेंस्ड एंड रिलेटेड टू द गिवन टॉपिक. टॉपिक से अलग आपको नहीं जाना है बेटा, ठीक है. मेंटेनिंग ओवरऑल कोहेसन ऑफ आइडियाज. थर्ड, रेंज ऑफ वोकैबुलरी इज मोस्ट रेलिवेंट एंड कन्वे टू ओवरऑल मीनिंग एंड द पर्पस ऑफ द राइटिंग. बेटा इस तरह के वर्ड्स आपको यूज़ करने हैं जिनका बहुत ज़्यादा ऐसे ना हार्ड हो और अच्छे से समझ आ सकते हों. एक नंबर जो यहाँ पर आपको दिखा रखा है वो है कंसिस्टेंट स्टाइल एक्सप्रेशन समटाइम्स अवकवर्ड लेआउट ऑफ द फॉर्मल लेटर बेसिकली एक्यूरेट. मतलब आपको जो लेआउट है फॉर्मल लेटर का वो सही रखना है. सेकेंड, सिक्वेंसिंग ऑफ आइडियाज इज समवॉट क्लियर एंड रिलेटेड टू द गिवन टॉपिक अटैम्पिंग टू मेंटेन अ जर्नल ओवरऑल कोहेशन. रेंज ऑफ द वोकैबुलरी इज लिमिटेड बट मैनेज टू कन्वे द ओवरऑल मीनिंग एंड द पर्पज ऑफ राइटिंग. इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि वोकैबुलरी आपको लिमिटेड रखनी है लेकिन जो आप कहना चाह रहे हैं वो अच्छे से आप लिख पाएँ, ठीक है. आधे नंबर के लिए यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है कि एक्सप्रेशन अनक्लियर लेआउट पार्टली फॉलोड अफेक्टिंग द फॉर्मेट ऑफ लेटर पुअर सिक्वेंसेस ऑफ आइडियाज बट आइडियाज रिलेटेड टू द गिवन टॉपिक इन द डिसजॉइंट मैनर एग्जिबिटिंग अ लैक ऑफ कोहेरेंस ऑफ आइडियाज. बेटा ध्यान रखेंगे वेरी लिमिटेड वोकैबुलरी और कॉपिंग फ्रॉम द क्वेश्चंस. इस चीज़ का आप ध्यान रखना बेटा, बार बार इस चीज़ को ये कह रहा है. जो आपको एक्यूरेसी का वन नंबर मिल रहा है वो आपको कैसे ही मिलेगा. स्पेलिंग आपकी बेटा सही होनी चाहिए, पंक्चुएशन आपका सही होना चाहिए, ग्रामर कंसिस्टेंटली सही होना चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए, है ना, और विद ओकेजनल माइनर एरर्स डैट डू नॉट इम्पेड कम्युनिकेशंस. इसके अलावा आधा नंबर जो इन्होंने यहाँ पर बता रखा है, स्पेलिंग पंक्चुएशन एंड ग्रामर डिस्प्ले सम एरर्स स्पीड अक्रॉस कॉजिंग मिनर इम्पेडिमेंट्स टू द मैसेज कम्युनिकेटेड. नो क्रेडिट, फ्रिक्वेंट एरर इन स्पेलिंग पंक्चुएशन एंड ग्रामर इम्पेंडिंग कम्युनिकेशन. बेटा इन सब चीज़ों का आप जरूर ध्यान रखेंगे अच्छे से. बी है बेटा आपका सबा परवीन और प्रवीण कुमार, ए बी पब्लिक स्कूल से हैं. ऑर्गेनाइज कर रहा है आपका स्कूल एक डिबेट कॉम्पिटिशन. तो टॉपिक है ओपनिंग स्कूल्स आफ्टर स्पेशल इम्यूनाइजेशन ड्राइव अगेंस्ट COVID-19 फॉर चिल्ड्रन. तो आपको एक डिबेट प्रिपेयर करना है, 120 से 150 वर्ड्स के लिए होना चाहिए. तो आप कैसे ही तैयार करेंगे, ठीक है. तो स्टेटिंग सेंटेंस ऑन द टॉपिक. तो डिबेट क्या होता है बेटा, दो लोगों के बीच होता है, एक उसके पक्ष में होता है और एक विपक्ष में होता है, ठीक है. तो जो उसके अगेंस्ट है मतलब जो नहीं चाहता तो वो क्या ही उस चीज़ के लिए अपने पॉइंट्स रख सकता है. तो सबसे पहले स्क्रीन टाइम, दूसरा हेल्थ इशू. स्क्रीन टाइम मतलब बहुत लंबे समय तक के लिए ऐसे स्क्रीन पर रहना पड़ता है जिससे कि हार्मफुल इफेक्ट होता है आइज पे, या फिर आप इस तरह से इस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं. सेकेंड है आपका हेल्थ इशू, लंबे समय बैठने से जो मतलब पेट में गैस या फिर कुछ और सर दर्द वगैरह इस तरह से. तीसरा आप डिस्ट्रैक्टिंग आप लिख दोगे कि हाँ मतलब ऐसे एनवायरनमेंट नहीं मिलता, घर में लोग होते हैं आते जाते रहते हैं जिससे कि डिस्ट्रैक्ट होते हैं. और भी कोई अगर आपके दिमाग में वैलिड रीज़न है तो उसको आप अगेंस्ट यूज़ कर सकते हैं, है ना. और अब आप फेवर में कैसे ही बोलेंगे, तो फेवर में आप बोलेंगे एवेबल ऑप्शन इन क्राइसिस. मतलब जब इतना सब है तो उस समय एक ऑप्शन ये भी है जिससे कि हम कंटिन्यू रख पाए अपनी पढ़ाई को. दूसरा वर्चुअल टूर्स, वर्चुअल टूर्स इसके अंदर बहुत ही एक अहम टॉपिक हो जाता है इसके फेवर के लिए. थर्ड है एक्टिविटी बेस्ड, एक्टिविटीज़ के थ्रू जो पढ़ाई हुई है और इसके अलावा रिकॉर्डिंग्स जो मतलब ऐसे सेव हो जाती हैं और उनको हम थोड़ी देर बाद और थोड़ी देर बाद ऐसे देख सकते होते हैं, तो वो चीज़ें आप यहाँ पर फेवर में डाल सकते हैं. इसके अलावा भी अगर आपको कुछ चीज़ें डालनी है तो आप डाल सकते हैं, ठीक है. अब हैं आपको किस तरह से ही इसके अंदर मार्क्स दिए जाएंगे, तो लगभग इन सभी चीज़ों को आपको उसके अंदर ज़रूर ऐड करना है. जितने पॉइंट्स छोड़ेंगे उतने मार्क्स आपके जाते जाएंगे, ठीक है. दो नंबर में दो नंबर मिलते हैं यदि आपने सभी पॉइंट्स को इंक्लूड किया है और अपना क्लियरली सस्टेंट को डेवलप किया है. इसके अलावा ऑलमोस्ट ऑल ऑप्शन इनकॉर्पोरेट रीजनेबली वेल डेवलप्ड. आपने इस चीज़ को बेटा ऊपर पहले बहुत अच्छे से देख लिया है, वही सारी चीज़ें जो आपने लेटर में देखी हैं वही सारी चीज़ें यहाँ पर इन्होंने डिबेट के लिए भी मेंशन की हुई हैं, ठीक है बेटा.
वही एक्सप्रेशन के दो नंबर और किस तरह से आपको अपना एक्सप्रेशन यूज़ में लेने हैं, ठीक है, वो मैं आपको इससे पहले लेटर में पढ़ करके बता चुकी हूँ। तो उन चीज़ का बेटा यहाँ पर आप ज़रूर ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये आपकी स्क्रीन पर भी है, आप इसको अच्छे से ऐसे स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ सकते हैं। एक्यूरेसी के लिए 1 मार्क्स है बेटा यहाँ पर। अब हम देखेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 5 है जो कि 4 मार्क्स में यहाँ पर दिया गया है। 4 सेंटेंसेस बेटा यहाँ पर आपको दिए गए हैं जिनको आपको रीअरेंज करना है ना, फर्स्ट सेकंड करके एक ऐसे यूजफुल सेंटेंस हमको यहाँ पर क्रिएट करना है। तो फर्स्ट में जो हमें वर्ड दिए गए हैं वो है क्राउडेड रेलवे प्लेटफॉर्म लास्ट संडे द वाज अनयूजली, एंड सेकेंड वेंडर्स कैरिंग वेयर एट स्वीट स्मेलिंग फ्लावर्स द प्लेटफॉर्म, एंड थर्ड द ट्रेन हाउ दे वी वंडर्ड वुड गेट ऑन, 4 बट द ट्रेन केयरफुली दे बोर्डेड वेरी। तो इनके सेंटेंस जो करेक्ट सेंटेंस हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ। बेटा आपकी स्क्रीन पर अब आपको क्वेश्चन नंबर 5 जो कि 4 मार्क्स में है, जो करेक्ट सेंटेंस आपको बनाने थे आपको दिख रहा है। फर्स्ट सेंटेंस हो जाएगा आपका द रेलवे प्लेटफॉर्म वर अनयूजली क्राउडेड लास्ट संडे, एंड सेकेंड वेंडर्स कैरिंग स्वीट स्मेलिंग फ्लावर्स वेयर एट द प्लेटफॉर्म, थर्ड वी वंडर्ड हाउ दे वुड गेट ऑन द ट्रेन, एंड 4 बट दे बोर्ड द ट्रेन वेरी केयरफुली, ठीक है। तो इस तरह से बेटा आपको ये चारों सेंटेंसेस से बना देने हैं सीक्वेंस से। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 बच्चे आपका। तो शुरू हो रहा है बेटा आपका सेक्शन से लिटरेचर जिसको बोलेंगे, और ये वाला सेक्शन आपका 15 नंबर का है, ठीक है। तो इस तरह से आपका पूरा 40 मार्क्स का जो पेपर है लगभग कंप्लीट हो गया है। तो सेक्शन सी लिटरेचर में आपको करने हैं एनी 5 of 6 क्वेश्चन गिवन बिलो, 6 क्वेश्चन आपको दिए हैं, कोई से भी 5 जो आपको आते हैं आप वो कर सकते हैं। 40 वर्ड में आपको आंसर देना है, और बेटा एक जो प्रश्न है वो 2 नंबर का है। तो सबसे पहला प्रश्न है हाउ डज द रेन जस्टिफाई इट्स क्लेम आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, ठीक है। पहले सभी क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं फिर उनके आंसर आपको देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है विच अवेयरनेस अकॉर्डिंग टू नानी पालखीवाला इज ग्रोइंग वर्ल्ड वाइड, थर्ड अ टर्म रिमूव हैज़ बीन यूज्ड इन द कंटेक्स्ट ऑफ द स्कूल मेंशनिंग इन द स्टोरी द ब्राउनिंग वर्जन व्हाट डज इट मीन, 4 व्हाट डिड द पोएट नोटिस अबाउट इंडिपेंडेंट थिंकिंग इन द पोएम चाइल्डहुड, 5th क्वेश्चन है हाउ डिड म्यूजिक ब्रिंग कम्फर्ट टू एल्बर्ट्स लाइफ, 6 व्हाट डज मिसेस फ्रिट्जलैंड एडवाइस टू मिसेस प्रेसन्स आफ्टर सी हैड पुट बैक द फैमिली मेम्बर्स इन देयर प्रॉपर प्लेस सिग्निफाई। तो ये 6 क्वेश्चन हैं बेटा, इनमें से कोई भी 5 क्वेश्चंस आपको करने हैं, तो इनके आंसर्स एक बार आप लोग देख लीजिए। तो बेटा जैसे कि आपको पता है 2 नंबर का आपका क्वेश्चन है, 40 वर्ड में आपको आंसर देना है। तो कंटेंट का आपको 1 नंबर यहाँ पर दिया जाएगा और 1 नंबर आपको आपके एक्सप्रेशन का दिया जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो था हाउ डज द रेन जस्टिफाइड कम्स आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, तो द पोएम हैज़ द टास्क ऑफ ब्रिंगिंग जॉय हैप्पीनेस लाइफ टू इट्स रीडर्स, फर्स्ट एंड सेकेंड व्हेन द रेन फॉल्स डाउन ओवर अर्थ अ रिदम और म्यूजिक इज क्रिएटेड, ठीक है। तो ये आप लिखेंगे। 2nd क्वेश्चन था आपका नानी पाखी वाला इज ग्रोइंग वर्ल्ड वाइड, ठीक है, अवेयरनेस। तो इसका आंसर हो जाएगा द मोमेंट ग्रिप्ड द इमेजिनेशन ऑफ द एंटायर ह्यूमन रेस, 2nd द वर्ल्ड वाइड कॉन्सिक्यूटनेस डेट द अर्थ इट्सेल्फ इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड मेटाबॉलिक नीड्स एंड वर्चुअल प्रोसेस डेट नीड अटेंशन बिकॉज द अर्थ वाइटल साइंस रिवील्स इट डिसलाइन हेल्थ, 3rd क्वेश्चन जो है आपका व्हाट इज द टर्म रिमूव यूज्ड इन द स्कूल डिबेट्स इन द स्टोरी द ब्राउनिंग वर्जन मीन, ठीक है। तो व्हेन अ पीपल इज प्रोमोटेड टू अ हायर क्लास, इसको अच्छे से आप एक्सप्लेन कर देंगे, यहाँ पर सिर्फ आपको एक पॉइंट दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 था व्हाट डिड द पोएट नोटिस अबाउट इंडिपेंडेंट थिंकिंग इन द पोएम चाइल्डहुड, तो इसका आंसर द पोएट डिस्कवर्ड दैट ही वॉज डिफरेंट फ्रॉम अदर एंड could think independently, he could have his own opinions without getting influenced by anyone else,
थर्ड, द डिस्कवरी वॉज वेरी इंपॉर्टेंट टू हिम एज इट रिलेटेड टू हिम हिज एबिलिटीज फॉर इंडिपेंडेंट थिंकिंग एंड डिसीजन टेकिंग. फिफ्थ क्वेश्चन है, हाउ डिड म्यूजिक ब्रिंग कम्फर्ट टू एल्बर्ट्स लाइफ. तो एल्बर्ट वॉज हैविंग अ बैड टाइम एट स्कूल वेयर ही वॉज सपोज टू क्लेम फैक्ट्स इन विच ही हैड नो इंटरेस्ट. ठीक है, आपने बहुत अच्छे से इस स्टोरी को पढ़ा होगा. एंड द टीचर्स वुड टॉन्ट हिम एंड पनिश हिम हमेशा, है ना. एंड इवन एट हिज लॉगिंग ही हैड नो कम्फर्ट. ऑल दिस मेड हिम miserable. एंड लास्ट में आप लिख सकते हैं, ही टर्न टू म्यूजिक एज हिज ओनली सोलेंस. तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का आंसर हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर सिक्स है, वॉट डज मिसिस फिट्ज़गेरल्ड एडवाइस टू मिस पियर्सन आफ्टर सी हैड पुट बैक द फैमिली मेम्बर्स इन देयर प्रॉपर प्लेस सिग्निफाई. तो मिस फिट्ज़गेरल्ड एडवाइस मिस पियर्सन नोट टू बी सॉफ्ट एंड वेस्ट ऑल द एफर्ट्स सी हैड पुट इन टू चेंज द एटीट्यूड ऑफ हर फैमिली फॉर द बेटर. एंड मिसेस पियर्सन इज अनश्योर हाउ शी वुड एक्सप्लेन हर बिहेवियर. थर्ड, मिस फिट्ज़गेरल्ड कंसर्न टू मिस पियर्सन. ठीक है बेटा, तो ये था आपका आंसर्स क्वेश्चन नंबर किसके सेक्शन सी के, जो कि आपका 10 नंबर में है. अब बचता है आपका 5 नंबर का पेपर, उसको देख लेते हैं आपसे क्या पूछा गया है. तो बेटा क्वेश्चन नंबर 7 जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है, एक लॉन्ग क्वेश्चन बेटा यहाँ पर आपसे पूछा गया है 5 नंबर में. दो क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिए गए हैं, दो में से कोई भी एक आपको करना है. और वर्ड लिमिट बेटा आपकी होनी चाहिए 120 to 150 वर्ड्स. एंड फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, एंड्रूज विजिट टू द मॉर्गन्स गेव हिम प्लेजर एंड सेटिस्फेक्शन डैट ही हैड नो अचीव्ड अर्लियर जस्टिफाई. एंड सेकेंड, द नैरेटर इन द ट्रेवलॉग सिल्क रोड रियलाइज डैट द स्नो वाज बोथ डेंजरस एज वेल एज ब्यूटिफुल जस्टिफाई. तो दोनों क्वेश्चन के आंसर में आप क्या लिख सकते हैं दिखा देती हूँ. तो किस तरह से आपको ये आंसर देना है, यहाँ पर सबसे पहले आपको ये समझाया गया है. ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो कंटेंट है वो 3 नंबर का होना चाहिए और एक्सप्रेशन और एक्यूरेसी के 2 मार्क्स यहाँ पर आपको दिए जा रहे हैं. ठीक है, अब जो डिस्क्रिप्शन ऑफ कंटेंट, मतलब इसको आप पूरा का पूरा किस तरह से लेकर के आएंगे, तो सस्टेन्ड क्लियर वेल डेवलप्ड पर्सनल रिस्पॉन्स टू द टास्क वेल डेवलप्ड एंड जस्टिफाई आर्ग्यूमेंट्स एविडेंस ऑफ द कैरेक्टर, इन चीज़ों को आपको देना है. लार्जली आ रीजनेबल वेल डेवलपिंग पर्सन रिस्पॉन्स टू द टास्क क्लियर जस्टिफिकेशन विद आर्ग्यूमेंट्स कैरेक्टर्स होना चाहिए. फेयरली कंपेनेंट पर्सनल रिस्पॉन्स टू द टास्क जस्टिफिकेशन क्लियर होना चाहिए. रेस्ट्रिक्टिव आर्ग्यूमेंट्स एविडेंस फॉर द कैरेक्टर लिमिटेड अवेयरनेस ऑफ द टास्क लिमिटेड जस्टिफिकेशन और रेलिवेंट आर्ग्यूमेंट्स, इन चीज़ों का बेटा आपको ध्यान रखना है. इसके अलावा एक्सप्रेशंस में आप किस चीज़ का ध्यान रखेंगे, तो केयरफुली स्ट्रक्चर कंटेंट विद अ बिगनिंग, ठीक है, और मिडल और द एंड. मतलब आपका जो कंटेंट है उसका स्ट्रक्चर है वो बहुत अच्छे से होना चाहिए. सेकंड, हाईली इफेक्टिव वोकैबुलरी आपको यूज़ करनी है, रेलिवेंट एंड एप्रोप्रिएट सेंटेंसेस फॉर द कन्वेइंग द आइडियाज इफेक्टिवली. ठीक है, स्पेलिंग आपकी सही होनी चाहिए, पंक्चुएशन ग्रामर ये एक्यूरेट आपका होना चाहिए. इसके अलावा आइडिया जनरली वेल सिक्वेंस्ड एंड रिलेटेड टू द गिवन टॉपिक मेंटेन ओवरऑल कोहेशन ऑफ आइडिया. रेंज ऑफ वोकैबुलरी सफिस इन लार्ज पार्ट्स टू कन्वे द ओवरऑल आइडिया एंड मीनिंग. वही सब स्पेलिंग वगैरह वापस से आपकी ठीक होनी चाहिए, ग्रामर आपका एक्यूरेट होना चाहिए, आइडिया अच्छा होना चाहिए, वर्ड्स ईजी होने चाहिए, वोकैबुलरी इफेक्टिव होनी चाहिए. वही सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, बार बार इस चीज़ को बोला जा रहा है. तो जो आपका एंड्रयू था, एंड्रयू विजिट टू द मॉर्गन गेव हिम प्लेजर एंड सेटिस्फैक्शन डैट ही हैड नॉट अचीव अर्लियर जस्टिफाई. तो कौन कौन से पॉइंट्स आप अपने इस क्वेश्चन में मेंशन करेंगे, तो ये है, एट 3:30 आफ्टर एन आवर डिफिकल्ट स्ट्रगल द चाइल्ड वाज बॉर्न लाइफलेस, ये चीज आप दिखा सकते हैं. सेकंड, मदर ले कोलैप्स्ड एंड मोस्ट पल्सलेस इंजेक्टेड द मेडिसिन एंड स्ट्रगल टू रिस्टोर द लाइफलेस
सुसैन मॉर्गन इंटेंस एफर्ट हर हार्ट बीट बिकम स्टडी. थर्ड टर्न हिज अटेंशन टू द लाइफलेस बेबी कंडीशन वॉज कॉज बाय लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द बेबी ब्लड एफिसली induced method of respiration rush the child from one bassin to the next for 15 minutes. Fourth आप यहाँ पे mention कर सकते हैं last resort rub the child with a rough towel crushing and realizing the little chest with both his hands trying to get breath into the lamp body. Miraculously, the tiny chest began having and they heard the child's cry. He had saved two lives and was eternally received at having done something real at last. तो इस तरह से कुछ पॉइंट्स आप लिख सकते हैं. सेकेंड क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर आपको दिया गया है. द नैरेटर इन द ट्रेवलॉग सिल्क रोड रियलाइज्ड दैट द स्नो वाज बोथ डेंजरस एज वेल एज ब्यूटिफुल. ठीक है, मतलब वो सुंदरता के साथ साथ खतरनाक भी थी. कौन? स्नो. कहाँ पर? सिल्क रोड पर. तो इसके वैल्यू पॉइंट्स आपको देने हैं. तो टीस्टन ऑन हिज वे सर्वेड द स्नो नॉट डीप बट कार कुड टर्न ओवर. ठीक है, तो ये चीज़ आप यहाँ पर बहुत अच्छे से मेंशन कर देंगे. इसके अलावा कवर द रिस्क फ्लंग हैंडफुल्स ऑफ डर्ट अक्रॉस द फ्रोजन सरफेस स्नो वाज स्प्रेड विद सॉइल दे ड्रॉप विदाउट डिफिकल्टी. थर्ड पॉइंट्स यहाँ पर आप दिखा देंगे. स्टॉप एट अनदर ब्लॉकेज दिस टाइम डिसाइड टू ड्राइव राउंड द स्नो. याद रखना. एंड द रिस्क डिड नॉट अंडरमाइन द स्किन ब्यूटी ऑफ द प्लेस इन द वैली दे सा स्नो कैप्ड माउंटेन्स एंड द रिवर वॉज वाइड बट मोस्टली ब्लॉक विद आइस दैट वॉज स्पार्कलिंग इन द सनशाइन. नेक्स्ट है बेटा. टर्न्स बिकम शार्पर एंड द राइट बम्पर रोक्स अराउंड वर कवर्ड विद पैचेस ऑफ ब्राइट ऑरेंज लिचेन अंडर द रोक्स सीम्ड अनएंडिंग शेड. तो ये आपके पॉइंट्स आप मेंशन कर देंगे क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट में. तो आशा करती हूँ बेटा आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, खास तौर पे सॉल्यूशन के साथ साथ इसके अंदर आपके मार्क्स आपको कहाँ पर मिलेंगे और कहाँ पर किस तरह से काटे जा सकते हैं वो इन्फॉर्मेशन भी DOE ने इस प्रैक्टिस पेपर में साथ ही साथ दी है. तो आशा करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी. मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें. शिक्षा प्रभा पर आप नए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें.